बिहार की राजनीति में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के चारों ओर जो घट रहा है वो सूबे की राजनीति और खासकर पूर्णिया के लिए काफी अहम है। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर जीत या हार पप्पू यादव का मौजूदा राजनीतिक कद न सिर्फ इस सीट पर बल्कि आसपास के इलाकों में भी निर्धारित करेगी। वहीं आरजेडी और पप्पू यादव के लिए नाक का सवाल बन चुकी पूर्णिया सीट का परिणाम लालू यादव की दो बेटियों मीसा और रोहिणी की सीट के मुकाबले क्या आता है, ये बिहार में आगे की राजनीति की दिशा तय करने में बाकी दलों की मदद कर सकता है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 का रण है, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी दो बेटियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सारण सीट से जहां लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम फाइनल हो चुका है, तो वहीं पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती को टिकट देने की चर्चा है। ये दोनों सीटें आरजेडी बीते दो लोकसभा चुनाव यानी 2014 और 2019 में नहीं जीत सकी थी। ऐसे में इन सीटों पर 2024 का परिणाम भी अगर बीते दो लोकसभा चुनावों की तर्ज पर ही रहा और पप्पू यादव अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे तो सूबे में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ना तय है। ये बहस बिहार की राजनीति में लालू की राजनीतिक विरासत के एक्सपेंटेंस के आसपास घूमेगी। इस विपक्ष का परिवारवाद वाला तड़का बिहार विधानसभा चुनाव में इस बहस में और भी स्वाद भर सकता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इस चुनाव में आरजेडी ने राज्य में कुल 22 लोकसभा सीटें जीती थी। इसके बाद से लोकसभा चुनावों में आरजेडी का प्रदर्शन राज्य में लगातार गिरा है। 2009 के आम चुनाव में राजद 22 सीटों से गिरकर 4 पर सिमट गई थी। वहीं 2014 के आम चुनाव में भी पार्टी के हाथ महज 4 सीटें ही आई थी। 2019 आते आते लोकसभा से पार्टी गायब ही हो गई। 2019 की मोदी लहर में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। बिहार में महागठबंधन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे लालू यादव पर गठबंधन को 2024 के आम चुनाव में न सिर्फ अधिक से अधिक सीटें जितवाने का दबाव है बल्कि अपने दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के बाद दो बेटियों रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को चुनाव जिताकर लोकसभा भेजने का भी प्रेशर रहेगा, खासकर तब जब सारण सीट आरजेडी के लिए एक तरह से राजनीतिक विरासत के तौर पर देखी जाती रही हो। सारण सीट से लालू यादव खुद 4 बार सांसद रह चुके हैं। वो पहली बार 1977 में इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2009 में लालू यादव आखिरी बार इसी सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद 2014 में लालू यादव की पत्नी रावड़ी देवी ने सारण सीट से चुनाव लड़ा और हार गईं। फिर 2019 में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को पार्टी ने सीट से मैदान में उतारा। वो भी पार्टी को अपनी कोई खोई सीट जिताने में कामयाब नहीं हो सके थे। पाटलिपुत्र की बात करें तो मीसा भारती इस सीट से 2 बार अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। उन्हें दोनों बार 2014 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा था।